रगड़ चौराहे पर एक बाग लगवा दो। और सुनो, अरे बीच बाग राजा तुआ खोदा जाते, ए भाई बाग राजा तुआ खोदा बाए दे, और मरुए दिए बना बायरी राजा, मरुए दिए बना बायरी। भाई बाग में कुए खोदवा दे राजा, और मरुए दिए बना बायरी राजा, मरुए दिए बना बायरी। उसी बात के बीच बीच कुआ खुदवा दी, मरुए बनवा दी, और अरे भाई बाग में मंदिर बना पाए दे, एक धर्मशाला बन बैयेरी राजा, धर्मशाला बन बैयेरी। अरे भाई बाग में मंदिर बनवा दे, एक धर्मशाला बन बैयेरी राजा, धर्मशाला बन बैयेरी। राजा नगर के चौराहे पर तू एक बाग लगवा दे, जब बाग बड़ा होगा वृक्षों से फल आएंगे, कुएं से जल आएगा, तो साधु संत महात्मा उस बाग के अंदर आएंगे, वृक्षों से खाएंगे फल और कुएं से पिएंगे जल, तो आशीर्वाद दुहा देंगे, तो नाम चलना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तुम्हारी किस्मत में संतान तो नहीं। और सुनो, अरे राजा धरइए नौलखा बाग, अरे नाम चले गो पूरे भारत में, और तेरो नाम हमारा हुए, राजा नौलखा बाग लगवा दे, तेरा नाम अमर हो जाएगा। आज राजा कहने लगते हैं, ब्राह्मण जी हम ये वृक्ष कहां से लाएंगे? नारद जी कहने लगे, धर काबिल के लिए चले जाओ और 9 लाख वृक्षों की खरीद करके और नौलखा बाग लगवा दो। किसी साधु संत महात्मा की अगर मुख से दुआ निकल गई तो नाम चलना कोई बड़ी बात नहीं है, चल सकता है। तो आज राजा ने कई नौकर अपने साथ में लिए और पौध खरीद करने के लिए चल दिए लाला लोग। अरे तोरा का बेला को राजा पौधा मंगाए लयो, और नौकर लाए जाने संगली आलोक, नौकर लाए जाने संगरी। अरे तोरे काबल का राजा पद मंगावे कोई, नौकर लाए जाने संगरी राजा, नौकर लाए जाने संगरी। नौकर साथ में लिए,
धन काबल के लिए राजा जा रहा है और पौध की खरीद करता है। श्रोताओं कौन कौन से पौध खरीद किए? अरे आम के पेड़ लाए राजा ने और ले ले पेड़ सा रोज के भैया ले ले पेड़ सा रोजरी। अरे आम के पेड़ ले राजा ने कोई और ले ले पेड़ सा रोज के भैया ले ले पेड़ सा रोज के। आम के पेड़ ले राजा ने ले ले पेड़ सरोज के और अरे महुआ के था ले राजा ने और ले ले पेड़ का चूर के आलोक ले ले पेड़ का चूर री। अरे महुआ के था ले राजा ने कोई ले ले पेड़ का चूर के भैया ले ले पेड़ का चूर के। लाला महुआ कहता ले राजा ने ले ले पेड़ खजूर बोला राजी को और अरे शिव संतरा ले राजा ने और ले ले पेड़ या नार के बेटा ले ले पेड़ या नारली। अरे शिव संतरा ले राजा ने और ले ले पेड़िया नार के भैया ले ले पेड़िया नार के। सेब संतरा पेड़ ले और पेड़ ले नार के और छुआरे राजा पेड़ खरीदे और पेड़ जाए पर के ले ले री बेटा पेड़ जाए पर के ले ले री। अरे करी छुआरे के पेड़ खरीदे राजा और पेड़ जाए पर के ले ले री भैया पेड़ जाए पर के ले ले। लाला अरे छोटिया लोन लिया राजा ने और पेड़ी लाची के ले ले रे भैया पेड़ी लाची के ले ले। अरे छोटी लोग ले रे राजा ने और पेड़ी लाची के ले ले री भैया पेड़ी लाइची के ले ले री। छोटी लोग लई राजा ने पेड़ लए लाइची के चंपा चमेली पेड़ खरीदे गुलाब के और श्रोता राजा ने 9 लाख पेड़ लिए और जो हमका जो हमसे पहले कथा कहत कहत दुनिया छोड़ के चले गए उनका नाम बताए पाए तो हमारी औका दिखा सब पेड़ बताए पाए। कहने का मतलब केवल एक यही है लाला
अरे नौलक पेड़ लए राजा ने और पोप बके नई जातरी भैया पोप बके नई जातरी अरे नौलक पेड़ लए रे राजा ने कोई पोप कहे नहीं जातरी भैया पोप बके नहीं जातरी जाने रात ही रात में जाकर के और नौलखा बाग नगर के चौराहे पर धरवा दिया और नौलखा ही उस बाग का नाम रख दिया। और सुनो लाला अरे हीरा मना मालिया को बुलावायो अरे बाग की कर रहा